चलिए अभी नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है अपना कॉन्फ्रेंस का टॉपिक कंपाउंड्स विद टू कायरल सेंटर है ना। इसके पहले हम कौन सी बात कर चुके हैं, कंपाउंड्स विद वन कायरल सेंटर ना, उसमें हमने इनेंशियोमर्स देख लिया था, रेसिमिक मिक्सचर देख लिया था, रेजोल्यूशन देख लिया था, ऑप्टिकल प्यूरिटी देख ली थी है ना। अब आगे हम देख रहे हैं कंपाउंड्स विद टू कायरल सेंटर्स। तो कंपाउंड्स विद टू कायरल सेंटर्स में दो टाइप के केसेस बनते हैं, एक कौन सा रहेगा, दैट इज कंपाउंड्स विद डिसिमिलर कायरल सेंटर्स। ठीक है, तो डिसिमिलर कायरल सेंटर्स में कौन सी चीज होगी, हम बोलेंगे डिसिमिलर कायरल सेंटर में ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे ये अलग रहेंगे ना। यहाँ पर जैसे इस कायरल कार्बन पर क्या है, मिथाइल हाइड्रोजन क्लोरीन, और इस पर क्या है, मिथाइल हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है। समझ आ रही बात ये है ना। हम बोलेंगे कंपाउंड्स जिनमें क्या रहता है, दो अलग अलग कायरल सेंटर्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या रहेगा, हम बोलेंगे इनमें दो टाइप के केसेस बनते हैं। ये जो दो डिसिमिलर ग्रुप्स थे जब ये सेम साइड आ जाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एरिथ्रो। ठीक है, तो एक एरिथ्रो टाइप का अरेंजमेंट हो सकता है या कॉन्फिगरेशन, और एक जिसमें दोनों डिसिमिलर कहाँ चले जाएंगे, दैट इज ऑन ऑपोजिट साइड, ये कौन सा हो जाएगा, दिस इज 3O। समझ आ गई बात ये है ना। अब ये जो एरिथ्रो टाइप का अरेंजमेंट था या कॉन्फिगरेशन था, इसमें क्या नहीं है, तो हम बोलेंगे इसमें कोई सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, इस वजह से क्या रहेगा, दिस हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। और यदि ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी करस्पॉन्डिंग क्या बनेगी, इसकी एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती है। और वैसे ही ये जो रहेगा ये भी क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे ये भी डिसिमेट्रिक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग भी क्या बनेगा, एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनती है। समझ आ गई बात ये, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी ये 2, और इसकी मिरर इमेज हो जाएगी ये 4। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1 एंड 2 ये क्या रहेंगे, दे आर इनेंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, और 3 और 4 जो हैं ये भी क्या रहेंगे, आपस में एक दूसरे के इनेंशियोमर्स होते हैं। आईने बात समझ में, ठीक है। अब 1 और 2 को हम क्या बोलेंगे, दैट इज इरिथ्रो पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। ठीक है, और 3 और 4 ये जो होता है ये क्या रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं दिस इज 3O पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। आए ना समझ में है ना। तो 1 एंड 2 जो होता है ये क्या रहेगा, तो हम बोलते हैं 1 एंड 2 इज इरिथ्रो पेयर ऑफ इनेंशियोमर, और 3 और 4 जो होता है ये क्या रहेगा, दैट इज 3O पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। आ गई बात समझ में है ना। इसके बाद फिर अगली चीज जो हम बोलते हैं कौन सी, यदि 1 और 3 में आप रिलेशन देखोगे, तो 1 और 3 में क्या है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज रिलेशन नहीं है, तो इसलिए 1 और 3 क्या हो जाएंगे, दे आर डायस्टीरोमर्स। सिमिलरली 1 और 4 जो हैं ये भी क्या हो जाएंगे, डायस्टीरोमर्स हो जाते हैं। ठीक है, वैसे 2 और 3 ये भी आपस में हो जाएंगे एक दूसरे के डायस्टीरोमर्स, और 2 और 4 ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायस्टीरोमर्स हो जाते हैं। आए ना समझ में है ना। तो अब इसको समराइज करते हुए कैसे बोलेंगे हम, तो बोलेंगे कंपाउंड जिनमें दो डिसिमिलर कायरल सेंटर्स होते हैं, इनके टोटल क्या होते हैं, 4 स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं। ठीक है, जिनको इस तरीके से लिखा है हमने है ना। इसमें 1 और 2 इरिथ्रो पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स हैं, 3 और 4 ये क्या रहेंगे, दैट इज 3O पेयर ऑफ इनेंशियोमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे दो बन जाती हैं इनेंशियोमेरिक पेयर्स। ठीक है, फिर 1 3 1 4 ये दोनों क्या रहेंगे, डायस्टीरोमेरिक पेयर। ओबियसली 2 3 एंड 2 4 दे अगेन आर फॉर्मिंग व्हाट, डायस्टीरोमेरिक पेयर। आगे के बाद समझ में है ना। सो दिस इज द समरी ऑफ दिस। ठीक है, अब इसके बाद अगला केस जो बनता है इसमें नहीं, कौन सा बनेगा, तो हम बोलेंगे कंपाउंड्स विद टू सिमिलर कायरल सेंटर्स है ना, कंपाउंड्स जिनमें एक जैसे कायरल सेंटर्स रहे। तो यहाँ पर क्या है, हमने बोला कि अब जैसे जो ऊपर वाला केस था, इसी को एक्सटेंड कर दिया हमने, इसमें से बी आर को हटा के हमने सी एल लगा दिया, तो अब इन दोनों ही कार्बन पर जो तीनों तीनों ग्रुप्स हैं ये कैसे लगे हुए, दीज आर द सेम ग्रुप्स। ठीक है ना, इन दोनों ही कार्बन पर क्या लगे, जो ग्रुप्स लगे दे आर सेम ग्रुप्स। समझ आ गई बात ये, तो कौन सी वाली चीज है यहाँ पर, अब इनमें क्या पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे बोलेंगे दोनों सी एल जो डिसिमिलर ग्रुप से कहाँ हो सकते हैं, ऑपोजिट साइड, या फिर कहाँ हो सकते हैं, दे आर ऑन द सेम साइड। समझ आ गई बात ये है ना, दोनों जो सिमिलर ग्रुप्स हैं फिशर प्रोजेक्शन में ये ऑपोजिट साइड हो सकते हैं या फिर ये सेम साइड हो सकते हैं, है ना। जब ये ऑपोजिट साइड हैं तो ऑपोजिट साइड वाले केस में कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलते हैं जब ये ऑपोजिट साइड होते हैं तो क्या हो जाता है,
तो हम बोलेंगे अब ये डिससिमेट्रिक रहेगा, ना जब ये ऑपोजिट साइड था तो ये डिससिमेट्रिक है, और डिससिमेट्रिक है तो फिर क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता है। आए ना समझ में? ऑप्टिकली एक्टिव हुआ मतलब कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसमें क्या बन जाएगी, एक नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बन जाती है। समझ आ गई बात, ये है ना क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे वन इन टू, नहीं ये क्या रहेंगे, दे आर इनेंशोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना, द नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। क्लियर बात ये, ठीक है, तो एक क्या बन गया इसके लिए, इनेंशोमेरिक पेयर बन जाता है। ठीक है, अब इसको एनालाइज करें हम, जब दोनों सिमिलर ग्रुप्स जो होते हैं ये कहाँ आ जाते हैं, दे आर ऑन द सेम साइड। ठीक है, तो जब दोनों सिमिलर ग्रुप्स सेम साइड होंगे तो कौन सी चीज होगी, तो हम बोलेंगे अब यहाँ पर मॉलिक्यूल में ये क्या आ गया, दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री के आ जाने की वजह से इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है ना, इस टाइप का जो कॉन्फिगरेशन होता है, ये मॉलिक्यूल को क्या बनवा देता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनवा देता है। समझ आ गई बात ये, इस टाइप का जो केस होता है जहां पर दोनों सिमिलर ग्रुप सेम साइड थे फिशर प्रोजेक्शन में, तो कौन सी चीज हो गई, तो हमने बोला ये जो कंपाउंड बन गया ये कैसा बन गया, दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इसकी जो मिरर इमेज रहेगी वो क्या रहेगी, दैट इज आइडेंटिकल टू इट। ठीक है ना, इसकी मिरर इमेज आइडेंटिकल होती है और इस वजह से क्या रहेगी, दैट विल बी सुपर इम्पोजिबल। आए ना समझ में, तो ये जो थ्री होता है हम क्या बोलेंगे, इसकी करस्पॉन्डिंग मिरर इमेज जो रहेगी दैट इज आइडेंटिकल टू इट, और इस वजह से वो सुपर इम्पोजिबल है, तो हम बोलेंगे जब दो सिमिलर काइरल सेंटर्स होते हैं तो क्या हो जाएगा, एक स्टीरो आइसोमर कम हो गया। ऊपर वाले केसेस में क्या बने थे, दैट इज फोर स्टीरो आइसोमर, लेकिन अब यहाँ पर क्या बने, टोटल थ्री स्टीरो आइसोमर बनते हैं। आए ना समझ में, इनको समराइज वे में हम क्या बोलेंगे कि वन और टू जो है दे आर इनेंशोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, थ्री जो रहेगा इसके लिए भी अपन टर्म कॉइन करते हैं, बट थ्री का वन और टू के साथ क्या नहीं है, ऑब्जेक्ट मिरर इमेज रिलेशन नहीं है, लेकिन थ्री भी रहेगा तो क्या इनका स्टीरो आइसोमर होता है। समझ आती है बातें, तो हम क्या बोलेंगे, वन एंड थ्री दे आर व्हाट, डायस्टीरोमर्स ऑफ ईच अदर, एंड टू एंड थ्री ये भी क्या होते हैं, डायस्टीरोमर्स ऑफ ईच अदर। आई नो बेटा समझ में, है ना, वन थ्री दे आर फॉर्मिंग व्हाट, डायस्टीरोमेरिक पेयर, टू एंड थ्री दे अगेन आर फॉर्मिंग व्हाट, दैट डायस्टीरोमेरिक पेयर। आया के समझ में अच्छे से, है ना, तो वन थ्री डायस्टीरोमेरिक पेयर, टू थ्री डायस्टीरोमेरिक पेयर, ऊपर चार डायस्टीरोमेरिक पेयर्स हैं, यहाँ पर डायस्टीरोमेरिक पेयर्स कितने होंगे, दो, और इनेंशोमेरिक पेयर भी कितना रहेगा, दैट इज वन। क्लियर है अच्छे से, है ना। अब इसके लिए अपन एक टर्म डिफाइन करेंगे, एंड दैट इज व्हाट, हम बोलेंगे ऐसे वाले कंपाउंड जिनमें कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे जिनमें काइरल कार्बन होने के बाद भी वो क्या रहते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट इन देम, है ना। यहाँ क्या आ गया था, इट वॉज प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो कंपाउंड में ये कार्बन भी काइरल था, ये कार्बन भी काइरल था, बट काइरल कार्बन होने के बावजूद ये क्या है, दे आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो इस टाइप के जो कंपाउंड होते हैं इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड मीजो कंपाउंड। आए ना समझ में, तो मीजो कंपाउंड को हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम बोलेंगे द कंपाउंड विच आर वॉट, विच आर ऑप्टिकली इनएक्टिव इवन दो दे वर कंटेनिंग वॉट, काइरल कार्बन इन देम। आईने बात समझ में, है ना, द कंपाउंड विच कंटेन काइरल कार्बन बट स्टिल आर ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम सिमेट्री एलिमेंट। ठीक है, सच टाइप ऑफ कंपाउंड दे आर नोन एज वॉट, दे आर नोन एज मीजो कंपाउंड। क्लियर होगी बात ये, है ना, तो मीजो कंपाउंड में, है ना, जैसे अपने रेसिमिक मिक्सचर में क्या देखा था, रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव एंड दैट इज ड्यू टू व्हाट, एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। ठीक है, वैसे मीजो जो रहेगा इसमें हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट क्या करता है, इसको क्लॉकवाइज में और दूसरा ले जाएगा एंटी क्लॉकवाइज में, और ये दोनों आइडेंटिकल है इसलिए क्या करेंगे, इक्वल एंगल से इसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं दैट इज इंटरनल कॉम्पनसेशन, है ना। तो मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू व्हाट, दैट इंटरनल कॉम्पनसेशन। आया समझ में अच्छे से, ये है ना। एक चीज और जो नोट करनी है आपको मीजो के बारे में, वो कौन सी है, कि मीजो कंपाउंड्स जो होते हैं, है ना, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं बट स्टिल दे आर काउंटेड इन व्हाट, ऑप्टिकल आइसोमर्स। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि इस टाइप का कंपाउंड है, ठीक है, मतलब इट इज टू थ्री डाइक्लोरोब्यूटेन, इसके
कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं, तो आपका आंसर रहेगा 3। ठीक है, आपको बोला कि इसकी कितने ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स हैं, तो आपका आंसर रहेगा 2। ठीक है, तो मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, तुम बोलेंगे दे आर नथिंग बट वॉट ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स। समझ आ गई बात, ये है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कॉमनली बच्चे गलती करते हैं। समझ आ गई बात ये, है ना। तो मीजो कंपाउंड आर व्हाट, तुम बोलेंगे दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ऑप्टिकल आइसोमर्स। क्लियर है यहाँ तक अच्छे से, है ना। इसके बाद फिर हम कौन सी चीज बोलेंगे ना, कि ये केसेस हो गए ये वाले। अब अपने को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ डाया स्टीरोमर्स, है ना। हालांकि ये भी अपन वैसे तो पढ़ चुके हैं, बट स्टिल एक बार समराइज वे में हम देख लेते हैं, है ना। तो डाया स्टीरोमर्स जो हमने बोले थे, ये क्या कंपाउंड होते हैं, तुम बोलते हैं डाया स्टीरोमर्स जो होते हैं ना, दीज आर द कंपाउंड विच दीज आर द स्टीरो आइसोमर्स विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशन। ठीक है, डायास्टीरोमर्स जो होते हैं ना, इनका पहला कैरेक्टर आप समझ के नोट भी करते जाना। डायास्टीरोमर्स का पहला कैरेक्टर जो होता है वो क्या होता है, तो हम बोलेंगे ये ऐसे वाले स्टीरोआइसोमर्स होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज रिलेशन नहीं होता, है ना। द स्टीरोआइसोमर्स विच डू नॉट हैव ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज रिलेशन, इनको क्या कहा जाता है, दीज आर कॉल्ड डायास्टीरोमर्स। आगे समझ में, है ना। दूसरी बात कौन सी रहेगी, हम बोलते हैं कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं सिस ट्रांस वाले, ये क्या होते हैं, हमेशा हमेशा के लिए डायास्टीरोमर्स होते हैं, क्योंकि सिस की मिरर इमेज सिस और ट्रांस की मिरर इमेज ट्रांस ही होती है, है ना। पहले भी बताया था मैंने आपको, है ना। फिर अगली चीज जो होती है इसमें वो कौन सी रहेगी, हम बोलते हैं जो डायास्टीरोमर्स होते हैं दे मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और दे मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है ना, क्या लिखेंगे हम, डायास्टीरोमर्स जो होते हैं, डायास्टीरोमर्स दे मे बी ऑप्टिकली एक्टिव और दे मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है ना, किस तरीके से एग्जांपल लिखे हुए अपने सामने, है ना। देखो इसमें हमने क्या बोला था कि 1 and 3 दे आर व्हाट डायास्टीरोमर्स ऑफ ईच अदर, तो 3 का डायास्टीरोमर 1 जो है ये क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। 3 का डायास्टीरोमर 2 ये क्या है, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, 3 क्या है, 1 का डायास्टीरोमर विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, 3 क्या था, 2 का डायास्टीरोमर विच इज व्हाट, ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना। यहाँ भी 1, 3, 1, 4 डायास्टीरोमर्स हैं, क्या है, सारे ऑप्टिकली एक्टिव। 2, 3, 2, 4 डायास्टीरोमर्स हैं, ये भी क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव हैं। समझ आ गई बात, ये सिस और ट्रांस होते हैं जैसे प्योर कंपाउंड्स ना, सिस टू ब्यूटीन है या ट्रांस टू ब्यूटीन है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये डायास्टीरोमर्स हैं, बट कैसे, दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, तो डायास्टीरोमर्स जो होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकते हैं और इनएक्टिव भी हो सकते हैं, है ना। लेकिन जो इनेंशियोमर्स होते हैं वो इसेंशियली क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे इनेंशियोमर्स इसेंशियली ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। आगे बात समझ में, है ना। इसके बाद अगला कैरेक्टर जो अपन बोलेंगे डायास्टीरोमर्स के बारे में कौन सा, तो हम बोलते हैं डायास्टीरोमर्स जो होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, है ना। डायास्टीरोमर्स जो रहेंगे ना, दे डिफर इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सिस ट्रांस से आप रिलेट कर ही सकते हो। ठीक है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन अ गिवन सॉल्वेंट, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये किससे रहेंगी, दीज आर डिफरेंट। ठीक है, इनेंशियोमर्स के लिए क्या बोला था हमने, इनकी आप वो उसको छोड़कर ना, इट इज बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट, उसको छोड़कर सारी प्रॉपर्टीज कैसी थी, देवर सिमिलर, ठीक है ना, देवर आइडेंटिकल। लेकिन डायास्टीरोमर्स में क्या होता है, तो हम बोलते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं ये क्या रहेंगी, दीज आर डिफरेंट। समझ आ गई बात यहाँ तक अच्छे से,